वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं निशित और आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग। मुझे नहीं पता कैमरा कैसे फेस किया जाता है, बरसों से मैं कैमरा फेस करवाता आया हूं लोगों को। आई एम वर्किंग एज अ फिल्म एंड मीडिया प्रोफेशन फॉर मोर देन 10 ईयर्स, बट पहली बार मैं खुद कैमरा फेस कर रहा हूँ, कैमरे के साथ ऐसे बात कर रहा हूँ। आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि फाइनली मैंने ले लिया है सोनी A7 III फुल फ्रेम कैमरा विथ 24-105 f/4 लेंस। बाकी के सारे वीडियोस आएंगे सोनी से, आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरे हाथ में आ गया है सोनी का A7 III फुल फ्रेम कैमरा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और उससे पहले देखते हैं इसमें क्या है खास। तो एज यू कैन सी, इसमें है 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर, और इसकी आईजो रेंज है 100 से 51,200। 10 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर लेता है, जो कि बहुत खास होता है। ऑटो फोकस पॉइंट्स इसमें है 693। आई ऑटो फोकस करता है, कंप्लीट साइलेंट शूट करता है। 5 एक्सिस इमेज स्टेबिलाईजेशन है, जिसको इबिस बोलते हैं। ड्यूअल स्लॉट मेमोरी कार्ड है, टच फोकस है, लॉक डिफरेंट लॉक गामास पर आप इस पर शूट कर सकते हैं। USB 3.1 एंड USB-C दोनों ही इसमें कनेक्शन दिए हुए हैं, तो आप नो मैटर कोई भी कनेक्शन यूज कर सकते हो। एंड GPS तो ऑब्वियसली अभी आज GPS, Wi-Fi एंड NFC तो आजकल के सारे कैमरा में रहते ही। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं अंदर पैकेज के साथ क्या क्या मिला है हमको। इसकी जो इफ यू कैन सी, इसका जो सील है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में इट इज रिक्वायर्ड के जो वारंटी कार्ड रहता है उसके ऊपर आप अपना डीलर का स्टैम्प भरा, तो उस कार्ड अंदर होता है, तो उसको ये ऑब्वियसली आपको ये खोलना पड़ता है। Let's open it. जैसे ही हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, हमको मिलते हैं यहाँ पे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें होता है प्रोडक्ट गाइड, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटलॉग, यूजर मैनुअल एंड 3 साल की सोनी इंडिया की वारंटी। यहाँ पे इस तरफ आप देखोगे तो आपको मिल रहा है एक मेमोरी कार्ड, जो कि अभी फ्री है, जो कि अभी फ्री है सोनी की तरफ से। तो इसमें हमको मिल रहा है 64 GB का क्लास 10 U3 मेमोरी कार्ड, जिसकी रीडिंग स्पीड है 260 Mbps एंड राइटिंग स्पीड है 100 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीडी माना जाता है। अगर इस कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो जैसे ही इसको खोलते हैं हम, सबसे पहले नज़र पड़ती है सोनी के A7 बेल्ट पे। अच्छी खासी क्वालिटी का बेल्ट है, बट आई डोंट थिंक सो आई एम गोना यूज इट, सो अभी इसको रखते हैं साइड में। इस तरफ देखें, अगर इस कंपार्टमेंट में, तो हमें मिलता है एक पावर केबल, जो कि इंडियन टाइप है, बिकॉज मैंने इंडिया से लिया है तो इंडियन टाइप ही रहेगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इस तरफ से बोलते हैं तो मुझे मिलता है बैटरी, सोनी का जी बैटरी, जो कि बहुत ही पावरफुल बैटरी माना जाता है और बहुत लंबा चलता है इन कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स। इसको रख लेते हैं, और अंदर मुझे मिल रहा है एक चार्जर। या इसके साथ सोनी में कैमरा एडिशनल बैटरी चार्जर नहीं आता, तो आपको इसको USB केबल लगा के कैमरे के अंदर ही बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। ये चार्जर है, तो हम लोग रखते थे साइड पर, और अंदर है एक USB 3.0 केबल, नहीं आई थिंक, हाँ 3.0 केबल बस, और तो कुछ है नहीं अंदर। और हम फाइनली आ जाते हैं बॉडी पे, ये है फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सबको हटा लेते हैं साइड में, सो ये है सोनी का बॉडी, जो कि देखने में बहुत ही स्टडी है। इसका मटेरियल एंड वेट, आई गेस 800-900 ग्राम जैसा वेट है इसका। जॉब डायल दिया हुआ है, जॉयस्टिक भी दी हुई है, यहाँ पे C1, C2, C3 तीन कस्टम बटन्स है, चार कस्टम बटन्स है। दिखाता हूँ आपको सेंसर,
ये जो है दैट इज अ फुल फ्रेम सेंसर सोनी का, इसको रख देते हैं साइड पे। इसके साथ मुझे मिला है सोनी का PCUC1 एक्सटर्नल चार्जर, जो कि होता है शायद 6,500 रुपए का इंडिया में, लेकिन अभी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर चल रहा था तो सोनी वालों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। अंदर है एक पावर कोर्ड और कुछ और डॉक्यूमेंट्स और फाइनली चार्जर। और एक चीज मिली है सोनी की ओर से, जो है सोनी का अल्फा एम्ब्रॉयडरी कैमरा बैग, जो कि अच्छी खासी क्वालिटी का लग रहा है। ऊपर एक मेन लॉकर दिया हुआ है जो कि खुल नहीं रहा है, ओ सॉरी ये उल्टा है, आप आराम से कैमरा विथ लेंस कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपके मेमोरी कार्ड आ सकते हैं, नीचे भी एक पाउच है, साइड में एक पाउच है, साइड एक पाउच है। ओवरऑल अ गुड क्वालिटी बैग फ्रॉम सोनी, थैंक यू सोनी फॉर दिस। इसके साथ मैंने लिया है, इन सबको मैं हटा रहा हूँ साइड में, इसके साथ मैंने लिया है सोनी का 24x105 F4 लेंस। चलिए इसको देखते हैं अंदर। लेंस अगेन ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, अच्छा सॉफ्ट बैग दिया हुआ है सोनी ने। इसमें क्या है, ये है सोनी का 24x105 F4 लेंस, जो कि काफी बल्की लग रहा है। वेट भी इसका शायद 500-600 ग्राम जैसा है। एंड इसका जो फ्रंट है दैट इज 77 mm, तो लगाने के बाद ये काफी बल्की हो जाएगा। इसको भी रखते थे साइड, चलिए इसको लगा के ही देख लेते एक बार। तो लगाने के बाद कैमरा काफी बल्की फील हो रहा है, शायद 1.5 किलो जैसा इसका वेट हो गया होगा। अभी इसको रख देते हैं यहाँ पे। एंड इसकी अच्छी बात यह है कि ये दोनों कैप्स इंटरनली लॉक हो जाते हैं, तो इसको आपको गुम करने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ मैंने लिया है कोडक का प्रो सीरीज लेंस फिल्टर, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी कैमरा गियर की सेफ्टी के लिए। इसमें है UV16 लेयर फिल्टर, यूजुअली आपको ये मार्केट में मिलते हैं सिंगल लेयर से 22 लेयर्स तक, जितने लेयर्स ज़्यादा रहेंगे इतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। इसकी MRP है कुछ 1700 रुपये का, लेकिन अगर आपका इतने लाखों रुपये का आप गैजेट ले रहे हो तो इसके सामने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना इज परफेक्ट। को खोल के दिखाता हूं आपको।
ये है कोडाक का, कोडाक इज वर्ल्ड नोन ब्रांड, यू नो एवरीवन। एंड ये है इसका 16 लेयर जो कि लग जाएगा इसके फ्रंट थ्रेड पे। ये भी है 77mm का, ये हर एक कैमरे के mm वाइज आएगा। तो आप जब भी बाय करो तो मेक श्योर कि अच्छी ब्रांड की अच्छी चीज लो, सस्ते में सेफ्टी मत ढूंढो।